ओवरसीज मार्केट में 83 फिल्म 52.72 करोड़ तक का ग्रॉस कलेक्शंस कमाते हुए नजर आ रही है। वही हम इंडिया के कलेक्शंस को अगर पकड़े तो इसका ग्रॉस कुछ नहीं तो 110 करोड़ से नीचे नहीं होगा, और 110 करोड़ में अगर हम 52 करोड़ और जोड़ ले तो 162 करोड़ तक का या 160 करोड़ के ऊपर तक का 160 करोड़ प्लस का इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस होता है। अपने लाइफ लॉन्ग रन में ये फिल्म 200 करोड़ के आसपास तक का वर्ल्ड वाइड टोटल जोड़ लेगी, जो मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात होगी। और जिस तरह से इसने इंडिया में परफॉर्म किया है उससे अच्छा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने ओवरसीज में परफॉर्म किया है। इंडिया में इसे बहुत अच्छी खासी स्क्रीन काउंट मिली थी 3721, लेकिन इसलिए उसका बहुत अच्छी तरह से फायदा नहीं उठा पाया। लेकिन हाँ, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ऑलरेडी इसका स्पाइडरमैन से अच्छा खासा क्लैश है, और पुष्पा फिल्म इससे ज्यादा बेहतर अच्छी तरह रिस्पॉन्ड कर रही है अपने थर्ड वीक में होते हुए भी। सो ऑल दैट मैटर्स अ लॉट, एंड एनीवेज ऑडियंस का साफ साफ मानना है कि हम पैसा दे रहे तो हमको पूरा एंटरटेनमेंट चाहिए, और वो शायद उन्हें इस फिल्म से ज्यादा पुष्पा से मिल रहा है और स्पाइडरमैन से मिल रहा है। चलिए फिलहाल कितने दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना भूलिए। द वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ 83 फिल्म इज डेफिनेटली ओवर 160 करोड़ प्लस।